खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। कश्मीर से अनुच्छेद 370 के हटने के बाद से वहां की जो पॉलिटिकल लीडरशिप है, नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, पीडीपी हो, इनके जितने नेता हैं वो नजरबंद हैं। हमारे साथ इस वक्त एक्सक्लूसिवली बात करने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती, पीडीपी के अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती हैं, जो आजकल बहुत ज्यादा चर्चा में है क्योंकि अपनी माँ महबूबा का ट्विटर हैंडल इस्तेमाल कर रही हैं, अपने विचारों को, अपने राय को उसके माध्यम से रखती हैं। इल्तिजा, शुक्रिया एबीपी न्यूज से बात करने के लिए। बड़ा जरूरी है आज के माहौल में आपसे बात करना, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि आप अपनी माँ का, जैसे मैंने जिक्र किया, ट्विटर हैंडल इस्तेमाल कर रही हैं और अपने बातों को उस पर रखती हैं। मैं उसी से शुरू कर लेता हूँ। मैंने आपका एक ट्वीट देखा, आपने नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ने दोबारा वहाँ पर जब अपना विजिट किया दो रोज पहले, तो आपने कहा कि इस बार मेन्यू में क्या है, पिछली बार तो बिरयानी था। कहना क्या चाह रही हैं आप, क्योंकि एक एक आप देख रही हैं कि एक फैसला लिया गया है, उसको इम्प्लीमेंट कराने की भारत सरकार की कोशिश है, तो इस तरह के ट्वीट्स का मतलब क्या है? वो वन ऑफ द ट्वीट से जो मैंने किया था, कहने का ये मतलब था कि जब पिछली बार डोवल साहब गए थे, वो बिल्कुल सिक्स को गए थे, वहां पे जाके आई थिंक उनने मील किया था लोकल्स के साथ, और फिर बाद में मीडिया के थ्रू पता चला कि उन लोकल्स को पता भी नहीं था कि वो डोवल साहब एनएसए हैं। बहुत सारे लोगों को लगा था कि ही इज अ सेक्रेटरी टू द एसपी देयर। तो मेरा बोलने का ये मतलब था कि आप दिखाना कुछ चाहते हैं, आप वहां जाते हैं, मील्स करते हैं, लोकल्स को पता तक नहीं होता आप कौन हैं, फिर आप आके वो फोटो ऑप्स पूरा इट्स शोन इन ऑल द चैनल्स। ये नॉर्थ कोरिया जैसे फोटो ऑप हो जाता है कि नॉर्थ कोरिया में खाने के लिए लोगों के पास कुछ नहीं है, लेकिन वहां पे आप औरत दिखाते हैं, वहां की गवर्नमेंट दिखाते हैं कि औरत होती है, सुपरमार्केट में होती है, बड़ी स्टाइलिश सी होती है, एंड दे ट्राई टू शो कि सब कुछ नॉर्मल है। तो मेरे ये ट्वीट करने का ये मतलब था कि आप वहां जा रहे हैं, दिखा रहे हैं कि हम लोगों के साथ बिरयानी वगैरह खा रहे हैं, लेकिन ये आपको खुद पता है कि वहां कुछ नॉर्मल नहीं है। बल्कि उनका एक वीडियो भी निकला था जिसमें उनने एक आदमी को कहा था कि आपका बच्चा है, आपका बेटा है, ये तो खुश है ना, क्योंकि स्कूल बंद है। तो उन आदमी ने उनको कहा कि दोवल, सॉरी नाम नहीं लिया, बोला यहाँ पे कोई खुश नहीं है, ये कैसे खुश होगा, यहाँ कोई खुश नहीं है। और अगर आप नोटिस करेंगे, मीडिया ने वो क्लिप कभी नहीं दिखाई, मीडिया ने बस आपको वो क्लिप दिखाई जो बीजेपी आपको दिखाना चाहती थी। नहीं, बीजेपी वाली बात नहीं है, मैं खुद वहां पर था इल्तिजा, जब एनएसए वहां पर थे तो मैं खुद वहां पर था और कई इलाकों में वो गए थे, और ये क्लिप एबीपी न्यूज ने दिखाई थी। ये मैं आपको करेक्ट, आपने दिखाई, पूरी क्लिप दिखाई थी। जी जी, बाकी और तो नहीं दिखाई, वो उनकी जिम्मेदारी, हमने पूरी क्लिप दिखाई थी। और मैंने खुद वहां पर रिपोर्टिंग की है इल्तिजा, मैंने देखा कि काफी लोकल लोग ऐसे हैं वहां पर जो फॉर द सेक ऑफ डेवलपमेंट, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का आर्ग्यूमेंट क्या है, आप भी मानेंगे कि उनका ये आर्ग्यूमेंट है कि पिछले 70 साल में उस स्टेट का वैसा डेवलपमेंट नहीं हुआ जैसा हम करने को इंटेंड करते हैं, इस वजह से ये फैसला लिया गया, और स्टेट के डेवलपमेंट अगर हो सकता है तो मैंने अपनी आंखों से देखा कि वहां कई ऐसे लोग थे जो इस उम्मीद में कि अगर डेवलपमेंट स्टेट में आता है तो क्यों नहीं। मैं आपसे बिल्कुल अग्री नहीं करना चाहूंगी। मान लिया आपने कहा कि लोग वहां हैं ऐसे जो सोचते हैं डेवलपमेंट, ये कोई बुरी बात नहीं है। हम में से कोई नहीं चाहता है कि लोगों को गुस्सा है, लेकिन बात इतनी बड़ी हुई है, आपने एक ही स्ट्रोक में लोगों का उनका हक, उनकी आइडेंटिटी छीन ली है। अगर आपको वाकई में लगता है कि लोग खुश हैं तो पूरा खोलिए, देखते हैं हम कौन सी नॉर्मल सी है। आपने इस इशू को उठाया था कि वहां की लोकल लीडरशिप, आपकी मदर भी जैसा मैंने कहा कि अभी नजरबंद है, बट आप इस बात को तो मानेंगी ना कि ऐसा हुआ क्यों, ऐसा हुआ इसलिए क्योंकि मैं बताता हूँ, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये कहना है, ये असेसमेंट है कि इस तरह के कई बयान आए थे जिससे इस बात का डर था कि माहौल खराब कर देते हैं लीडर्स, इस वजह से उनको इस तरह से नजरबंद रखना पड़ा, तो इस बात का डर था तो ये प्रिकॉशनरी कदम उठाया गया। अगर सबसे पहले अगर उनने स्टेटमेंट्स किए हैं तो कैसे आप कैसे कह सकते हैं कि वो माहौल खराब करेंगे। मेरी मदर को तो अंदर डिटेन किए हुए 2 महीने हो गए आशीष साहब, आप खुद कश्मीर गए, हर फ्राइडे वहां प्रोटेस्ट हो रहे हैं, दीज आर स्पॉन्टेनियस स्पोरैडिक प्रोटेस्ट, ये भी क्या मेरी मदर करवा रही है, इसके लिए भी क्या आप मेरी मदर को ब्लेम करेंगे। और आप कहते हैं कॉन्ट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स, इस मुल्क के गृह मंत्री ने माइनॉरिटीज मुस्लिम्स को क्या बुलाया है, वर्मिन बुलाया है, टर्माइट्स बुलाया है। इन लोगों ने क्या कहा, इन लोगों ने ये कहा कि यहाँ माहौल वाकई में बहुत खराब हो जाएगा, और आप खुद देख सकते हैं माहौल कितना खराब हुआ है। तो ये कहा था कि तिरंगा उठाने वाला कोई नहीं बचेगा, जाइए आप कश्मीर में अभी देखिए हालात कितने खराब है। देखिए जब लीडर तकरीर करते हैं तो यू नो दे से इट विद अ लॉट ऑफ पैशन, दे से इट विद अ लॉट ऑफ एनर्जी। इस बात को अप्रिशिएट करेंगे ना कि बीजेपी के तो मैनिफेस्टो में था
जी अगर मैनिफेस्टो में था फिर क्या वजह थे? नहीं, सुने सुने सुने, आपकी बात मैं ध्यान आपकी बात मैं सुन रहा हूँ। मुझे ये बताइए कि आप इतना खुल के क्रिटिसाइज कर रही हैं कि उन्होंने ऐसा किया वैसा किया गलत किया, फिर क्या वजह थी कि पीडीपी की अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने उसी बीजेपी के साथ गवर्नमेंट बनाया? जी देखिए, ये सवाल तो आप, मैंने आपको इंटरव्यू के पहले भी कहा आई के नॉट आंसर क्वेश्चंस ऑन हर बिहाफ, लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहूंगी कि जब हमारे साथ उनका एजेंडा ऑफ अलायंस हुआ उसमें उनने बहुत क्लियरली लिखा था कि वो इस चीज को टच भी नहीं करेंगे। अगर पुलवामा जैसे हमले के बाद भी जी इस तरह के स्टेटमेंट्स आए कि हमको पाकिस्तान के साथ बात करना चाहिए जी, या जी सेंट्रल गवर्नमेंट के असेसमेंट में ये लगे कि भाई लॉ एंड ऑर्डर इस कदर बिगड़ रहा है जी, कि लॉ एंड ऑर्डर कैसे बिगड़ रहा है जब इनने गवर्नर रूल इम्पोज किया। मैं आपको अभी इनके स्टेटमेंट्स दिखाऊंगी, ये खुद हर रोज स्टेटमेंट दे दे के कहते थे कि यहाँ स्टोन पेल्टिंग नहीं हो रही, यहाँ इन्फिल्ट्रेशन नहीं हो रही। जब यूएन में आपको कहा जाता है आप ह्यूमन राइट्स वायलेशन कर रहे हैं, आप पूरी दुनिया को कहते हैं कि पाकिस्तान का कोई हक नहीं बनता है कि वो इंटरफेयर करे। हमने तो इंडिया के साथ एक्सीड किया था ना, हमने पाकिस्तान के साथ एक्सीड नहीं किया था। अभी इस चीज को जस्टिफाई करने के लिए आप बार बार कश्मीरी पंडित्स का जो दर्द है आप लोग वो एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। ये लोग, इनको शर्म नहीं आती? कितने पंडित्स हैं, कपिल काक साहब जैसे, जिनने कहा है कि आप ये मत करिए, हमारा दर्द था लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो आपने जाति की है उसमें आप हमारा इस्तेमाल करें। ये लोग अब कश्मीरी पंडित्स को भी इस्तेमाल कर रहे हैं। नहीं, आप मुझे बताएं कि कश्मीरी पंडित्स जो घर से बेघर हुए उनको वापस बसाना क्या कोई गलत फैसला? बिल्कुल नहीं, हालांकि अगर आप मुफ्ती साहब के रूल में देखेंगे आशीष साहब, यू प्लीज स्टडी ड्यूरिंग हिज रूल ही वेरी साइलेंटली ट्राइड टू इंश्योर दैट पंडित सेटल डाउन, ही क्रिएटेड कॉलोनीज देयर। हम ऐसा नहीं चाहते हैं। आपको क्या लगता है कि मैंने सफर नहीं किया है? मेरी मदर ने पॉलिटिक्स तब से ज्वाइन किया जब मैं 9 साल की बच्ची थी। मैं 9 साल की होती थी, मेरी मदर तब मिलिटेंसी थी, वो निकलती थी सुबह, मुझे ये तक नहीं पता था कि वो शाम में जिंदा आती या कैसे आती। तो पुराना खासा आप तो ये तकलीफ बेहतर समझेंगे ना, कि कश्मीरी पंडितों के दिल पर बिल्कुल उनके साथ क्या बीता। हमारा कश्मीर उनके बिना अधूरा है, मैं उनका दर्द समझती हूँ। तो फिर ये फैसला अगर लिया जा रहा है तो फिर क्यों नहीं पंडित के लिए नहीं लिया गया है? फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आपको डेवलपमेंट करनी है, आपने कहा महबूबा जी की इनके साथ सरकार थी, बिल्कुल सरकार थी, एजेंडा ऑफ अलायंस में ये भी था कि डेवलपमेंट के लिए पावर सप्लाई में कश्मीर में प्रॉब्लम है। जम्मू कश्मीर प्रोड्यूसेस 4,312 मेगावाट्स ऑफ हाइड्रो पावर, वी हैव इनफ, वी प्रोड्यूस इनफ टू हैव अ 24 आवर सप्लाई, व्हाई डज द सेंटर ओनली गिव अस 13%? आपको पता है जब कर्फ्यू लगा था वहां से कितने मजदूर निकले? क्यों इतने बिहारी मजदूर निकले? क्योंकि वहां पे उनकी पे स्केल्स बेटर होती हैं। आप मीडिया कहां से बिहारी मजदूर निकले? बहुत, आप खुद कश्मीर मैं, से मैं खुद आपको लिंक्स भेजूंगी। आप कश्मीर की बात कर रही हैं? जी बिल्कुल, अभी की बात कर रही हैं बिल्कुल। तो अभी तो मैं आपको कॉन्ट्रेरी व्यू ये देता हूं कि उनको वहां, नहीं नहीं सुने मेरी बात, वहां से डरा धमका के भगाया जा रहा है। मैं वो नहीं कह रही हूं, आप गलत कह रहे हैं, मैं कह रही हूं। नहीं नहीं गलत नहीं, मैंने बात की ऐसे लोगों से। कश्मीर के पे स्केल्स तक जो बिहारी बिहार के मजदूर होते हैं वो हमारे कश्मीर में आते हैं और उनको हम बहुत अच्छी तरह से रखते हैं। उनको अगर इतनी डेवलपमेंट बिहार में, बिहार में तो बीजेपी की सरकार है, वो वहां जाके क्यों नहीं मजदूरी करते? अच्छा मुझे एक चीज बताइए, इतना इतना तो आप एडमिट करते हैं? नहीं मैं क्या एडमिट करूं, मैं आपसे ये नहीं बताइए। आप अगली बार जब कश्मीर जाएंगे आप खुद पूछिए कि जब यहाँ यात्री और टूरिस्ट को निकाला था तो साथ में कितने बिहारी बिहारी मजदूरों को निकाला था, उनका आप नंबर लीजिए। आप जो कह रही हो मैं करूंगा बिल्कुल, लेकिन मैं फिर अपने आप को रिपीट कर दूं कि अभी जब मैं कश्मीर में था मेरे आंख के सामने बिहारी मजदूरों को धमका के बाहर निकाला। जी देखिए मैं तो वहां नहीं थी। मैं आपको, अगर मैं आपकी बात मान सकता हूं, आप मेरी भी मानिए। मीर फैज 24-year-old स्टूडेंट इन राजस्थान, ही वाज हैकल्ड, उसको घाघरा चोली पहना के डांस करवाने की कोशिश की, उसको पीटा गया। आपको पता है कश्मीरी लड़कियों के बारे में हमारे मिनिस्टर्स ने क्या कहा है कि अब हम इनको बहू बना के लाएंगे? ऐसी बातें की हैं। देखिए सुने मेरे सवाल सुने प्लीज, नेशनल कॉन्फ्रेंस हो या आपकी मदर की गवर्नमेंट रही हो या उनका प्रशासन रहा हो, भी इतना अच्छा अगर गवर्नमेंट आइडियल तरीके से चलाए तो लोकसभा चुनाव, जनरल इलेक्शन अनंतनाग का क्यों हार गई? जी That's the spirit of democracy. No, it's not. It reflects. No, it reflects on your performance. Sorry, deceased person. What was his name? Arun Jaitley. उन्ने कभी election नहीं जीता. अमृतसर में वो हार गए, फिर आपने उनको I welcome the example that you are giving. Yes, exactly. But it is also a fact that महबूबा मुफ्ती भी चुनाव हारी. आप इसको भी तो मानिए. She lost, but someone from NC won, right? आपको बीजेपी को कोई हक नहीं बनता कि आप पॉलिटिकल प्रोसेस अपने हाथ में लें और कहे अभी मुफ्ती अब्दुल्ला
बिरला को आउट करो, बादल के साथ ये करेंगे? नहीं नहीं, उन्होंने अच्छा सुनिए, उनका क्या आर्ग्यूमेंट था, उनका आर्ग्यूमेंट था लॉ एंड ऑर्डर। ने कल डिक्लेयर किया है कि अगर महाराष्ट्र में दे विन इलेक्शन, आदित्य ठाकरे हु हैजंट वन अ सिंगल इलेक्शन, वन क्या उनने लड़ा भी नहीं है, जीतेंगे कैसे, वो उनको डेप्यूटी सीएम बना देंगे। तो आपकी मदर चीफ मिनिस्टर थी उनके साथ, मैं यही तो कह रहा हूँ कि इट इज वेरी वेरी इजी टू क्रिटिसाइज। आप दूसरे क्रिटिसाइज नहीं कर रही हूँ, मैं कह रही हूँ कि इनके डबल स्टैंडर्ड्स हैं। बादल्स अगर कल इलेक्शन हारते हैं आप डालेंगे? बादल्स के अगेंस्ट तो इतने करप्शन स्कैंडल्स का भी आया है। डबल स्टैंडर्ड तो आप पर भी आरोप लगेगा ना कि उनके साथ गवर्नमेंट चला ली, उन्होंने सपोर्ट विड्रॉ कर लिया, तो अब जमाने भर की रूल का हम कह रहे हैं क्या कि मुफ्ती अब्दुल्ला ने यहाँ पे बर्बादी की? आप खुद बताइए, हम कह रहे हैं अटल बिहारी वाजपेयी साहब की मुफ्ती साहब के साथ कितनी अच्छी सरकार थी, इनका उनपे क्या कॉमेंट है? अटल बिहारी साहब क्या एंटी नेशनल थे क्या? आपको क्या लगता है उस स्टेट का फिर डेवलपमेंट इतना क्यों नहीं हो पाया जितना बाकी जगह का हो पाया? जब आप डेवलपमेंट कहते हैं आपका मतलब क्या है? क्योंकि अगर आप ये बताएं कि यंग बच्चे, इल्तिजा यंग बच्चों के हाथ में अगर पत्थर हो, स्टोन पेल्टिंग करें, वो बच्चे स्कूल कॉलेजेस जाएं, कहीं काम करें, सारे पत्थर मार रहे हैं क्या? सारे नहीं भी मार रहे हैं, तो भी जितने मार रहे हैं उसकी वजह से अगर इलाका डिस्टर्ब रहता है, पिछले 70 साल से एक मैकेनिज्म था, डू यू अप्रिशिएट, सुनिए मेरी बात, पिछले 70 साल से एक मैकेनिज्म था जिसमें धारा अनुच्छेद 370 था, 35A था, तमाम दूसरी आयतें थी जो दूसरे प्रांतों को इंडिया में नहीं था। तो आपको नहीं लगता है कि एक तरह से मैं आपको कहूं तो दूसरे स्टेट से कहीं ज्यादा फ्रीडम था? कैसे, मतलब आप क्या बोल रहे हैं मेरी समझ में नहीं आ रहा। मैं ये कहना आप कह रहे हैं कि जो इनने डिसीजन लिया है क्योंकि वहां पे पत्थरबाजी वगैरह वो जो आप खुद फिर कहते हैं कि बस डाउनटाउन में होती है, अब आप लोग कह रहे हैं कि पूरे कश्मीर में पत्थरबाजी होती है, तो ये डिसीजन जस्टिफाइड है? What are you saying? आप मुझे ये बताइए कि स्टेट के डेवलपमेंट का अगर इंटेंट कोई भी गवर्नमेंट दिखाती है और वहां पर कोई नया फैसला लागू करना चाहती है, 70 साल एक व्यवस्था वहां थी उसके बाद, और अगर डेवलपमेंट के लिए वाकई कुछ कारगर कदम उठाए तो उसमें गलत क्या है? मैं आपको इंडिकेटर्स अभी दे सकती हूँ। जम्मू एंड कश्मीर इज वन ऑफ द टॉप 6 स्टेट्स, ओके, इट्स अहेड ऑफ यूपी, इट्स अहेड ऑफ बिहार। यस, फॉर अ कॉन्फ्लिक्ट जोन उतना भी करना हमारे लिए बहुत है। मैं इंडिया टुडे के कॉन्क्लेव में थी, आप प्लीज वो स्लाइड्स देखिए, कितने बच्चे हैं जिनने विदाउट एनी असिस्टेंस फ्रॉम द गवर्नमेंट उनने अपनी लाइफ में कितना हासिल किया। आई डू नॉट अप्रिशिएट यू, आप नहीं चाहती कि वहां बड़े इंडस्ट्रीज आए? ऑफ कोर्स आई वांटेड। रात भर आपने लैंडलाइंस वगैरह कट करके सुबह डिसीजन ले लिया, फिर आप कहते हैं हमारे पास 56 इंच है। 56 इंच का क्या फायदा जब उसमें एक दिल नहीं हो? क्या आपको नहीं लगता कि एक मौका मिलना चाहिए? लेट्स सी, देखते हैं, क्या पता कि कुछ ऐसे इनिशिएटिव्स हों जो शायद आपको भी इम्प्रेस करें, शायद वैली के लिए अच्छा हो, शायद बच्चों के लिए अच्छा हो। तो क्या आपको नहीं लगता कि इसकी गुंजाइश भी होनी चाहिए? एक बार देखें तो सही, उसके बाद इस फैसले पर आए कि सही किया कि गलत किया। देखिए इसका मैं रेफरेंस देता हूँ, मुझे अपना सवाल पूरा कर लेने दीजिए। खुद प्राइम मिनिस्टर, अगर आपको याद आता है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कहा था, उन्होंने जमहूरियत की बात की थी, कश्मीरियत की बात की थी। मोदी जी ने 2014 में कहा था अच्छे दिन आएंगे, आए क्या? जब आप अच्छे दिन बाकी कंट्री में नहीं ले आए तो आप कश्मीर में कौन से अच्छे दिन लाएंगे? जब आपने 2 पावर प्रोजेक्ट्स तक जम्मू कश्मीर के लोगों को वापस नहीं दिए, आपको पता नहीं था इतने सालों की वहां पे 24 आवर्स सप्लाई नहीं रहती है इलेक्ट्रिसिटी की, विंटर्स में लोग वहां ठिठुरते हैं सर्दी से, वहां इतनी ज्यादा सर्दी होती है, ये चीजें तो आप कर सकते थे। इसका और आर्टिकल 370 का क्या कनेक्शन था? 80 साल के उसी आदमी पे जिसके नेशनलिस्टिक क्रेडेंशियल्स कोई कश्मीरी क्वेश्चन नहीं कर सकता, उसको आपने अपने घर में, उनके घर को आपने जेल बना दिया। BDC's elections, 2020 असेंबली इलेक्शंस होनी आगे चल के, का कोई फायदा नहीं है जब आपने सारे मेनस्ट्रीम लीडर्स और पार्टी वर्कर्स एज वेल, आप बहाना दे रहे हैं कि मेरी मदर ने स्टेटमेंट दिया, चलिए उन्होंने दिया, जो बाकी पॉलिटिकल वर्कर्स हैं उनको क्यों लिया गया है? उनको आप किस लिए पनिशमेंट दे रहे हैं? पंचायती लोगों को आप बुलाते हैं जिनको इलेक्ट किया था, जो 10-20 वोटों पे व्हाटएवर जीत के आए, वो एक स्टेटमेंट देते हैं कि दो फैमिलीज। आपको नहीं पता था कि मुफ्ती फैमिली 2014 में भी थी, तब क्या हुआ आपके एथिक्स को? मैंने आपको बोला कि आई एम टॉकिंग एज अ कश्मीरी, आई एम नॉट हियर एज महबूबा मुफ्तीज प्रॉक्सी और एज उमर अब्दुल्लाज प्रॉक्सी। अगर आप लोगों को लग रहा है कि मैं कुछ गड़बड़ बोलूंगी फिर आपको बार बार प्ले करेंगे, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं होने देने वाली, क्योंकि मेरी पैदाइश तो कल नहीं हुई थी, मैं इन चीजों को अच्छे से समझती हूँ। अच्छा, मैं लास्ट सेगमेंट पे चलता हूँ, मुझे कुछ सवाल आपसे करप्शन चार्जेस को लेकर के भी पूछने थे जी। ये जो करप्शन के चार्जेस लगे, अब्दुल्ला साहब की फैमिली पे भी लगे, महबूबा जी पे भी लगा, उस पर आपका क्या कहना है? क्योंकि जो आरोप लगे थे वो ये लगे थे कि भाई J&K के बैंक रिक्रूटमेंट के दौरान
उनसे बाकायदा नोटिस करके पूछा गया था कि क्या उनके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के लोगों ने जबानी पैरवी की थी। एक्चुअली मैं अपनी मदर के साथ थी जब वो आया था, एंड मैं आपको ये बात क्लियरली बताना चाहती हूँ कि ये जो कहते हैं कि हायर किए गए थे जेएनके बैंक में जितेंद्र सिंह साहब जो मिनिस्टर हैं, यू नो ही स्टेट होम डीओपीटी मिनिस्टर है, ही इज द वन हु इज एम्प्लॉयड द मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल। हाउएवर हैविंग सेड दैट, इफ दे हैव एनी प्रूफ तो मेरी मदर को बाहर निकालें, टेक हर टू कोर्ट। आपके पास अगर प्रूफ होता है, आप तो आज शरद पवार साहब को ईडी के पास ले गए, सबके ऊपर आप करप्शन केसेस ऐसे मार रहे हैं ना जैसे इंस्टेंटली ठप 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 ठप। अगर आपके पास कुछ प्रूफ है तो मेरी मदर के अगेंस्ट लाइए, आपको क्या रोक रहा है। देखिए, आई कैन नॉट स्पीक ऑन बिहाफ ऑफ अब्दुल्लाज, आई कैन स्पीक कि जितना मैं जानती हूँ, माय मदर हैज हैड अ स्क्वीकी इम्पेकेबल रिकॉर्ड। अगर आप रिकॉर्ड्स देखेंगे, एसेट्स देखेंगे, जो इंडिया के सारे मुख्यमंत्री थे उनका पोल किया गया था, माय मदर इज वन ऑफ द पोरेस्ट चीफ मिनिस्टर्स, शी हैज नो एसेट्स टू हर नेम व्हाट्सोएवर। आप मेरे से करप्शन का पूछ रहे हैं, मैं आपको सीधे कह रही हूँ कि एविडेंस लाइए, बाहर निकालिए, देखिए ये जमहूरियत है। आपने कहा महबूबा जी लॉस्ट द इलेक्शन, दैट्स द स्पिरिट ऑफ अ डेमोक्रेसी, की 2014 में द सेम महबूबा मुफ्ती जो 75,000 मार्जिन से जीती, वो इस साल शी वाज हम्बल्ड, शी लॉस्ट बाय 10,000 वोट्स। इसमें कोई शर्म की बात नहीं है, दिस इज द स्पिरिट ऑफ अ डेमोक्रेसी। लोग जीतते हैं, लोग हारते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जस्ट बिकॉज दे हैव अ ब्रूट मेजोरिटी, डज नॉट गिव देम यू नो अ ब्लैंक चेक कि वो जाके लोगों को ऐसे अरेस्ट करें और फिर ये अपना नैरेटिव चलाएं। मैं इसके साथ बिल्कुल अग्री नहीं करती हूँ, और मैं ये डंके की चोट पे रह के कहना चाहती हूँ कि अगर इनके पास एक भी एविडेंस है कि मेरी मदर ने फॉरगेट 2-3 crores एक भी रुपए 1 rupee कहीं खाया हो, तो सामने आए, सामने बात करें, यू नो लाइक अ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। ये पीछे पीछे क्या मेरी मदर को जेल में आपने डाल दिया।